चलो 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 चलो। मेरा है। नहीं, मैंने पहले देखा। मजा आ गया, कितना अच्छा लग रहा है। लूला और उसकी बेस्ट फ्रेंड को एक मामूली सी टी-शर्ट के लिए लड़ते देखकर। ज्यादा खुश मत हो, वो दोनों नर्सरी से एक दूसरे के साथ हैं। लूला, इतनी जिद भी मत करो। इन्फिनिटी हमारी पहचान। जब एक दूसरे को मदद के लिए बुलाना पड़े। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या करना है। इसे मिलकर खरीद लेते हैं। हाँ। देखा, इन दोनों की दोस्ती कितनी मजबूत है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हें ऐसा लगता है मैं सिर्फ एक हफ्ते में इस मजबूत दोस्ती में दरार डाल दूं तो? वर्जीनिया, तुम कितनी शातिर हो। आई लव यू। एक एक हफ्ता पहनेंगे, और सबसे जरूरी बात, तुम इसे इस्त्री करके बहुत अच्छी हालत में मुझे वापस करोगी। क्या हो गया है हिना, क्या मुझ पर यकीन नहीं? लूला, तुम भूल गई वो हैमस्टर जो हम दोनों ने लिया था और तुमने उसे हरे रंग में रंग दिया था, और वो जीन्स जिस पर तुमने च्युइंग गम चिपका दी थी और रिकॉर्ड तोड़ ही दिया था। ठीक है, बहुत हुआ बहुत हुआ। मैं लूला इंसाफ के नाम पर कसम खाती हूँ कि इस टी शर्ट को हिफाजत से रखूंगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। सच, ये मैंने नहीं किया। देखो नौजवानों, मैंने मुश्किल से मुश्किल मामले सुलझाए हैं। रंग अभी तक गीला है और तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। जहान बेकसूर है। देखो, मेरे हाथ भी गंदे हैं। हो सकता है मैंने किया हो, है ना? तुमने लेकिन इसे अभी साफ करो। तुम भी लूला, तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाने की सजा मिली है। तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। ऐसा करती हूँ जहान, मैं साफ करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मजा आ गया, मैं इसी मौके की तलाश में थी ना। जहान, मैं होती तो अब तक शुरू कर चुकी होती। 15 मिनट का वक्त ज्यादा नहीं होता। ठीक है, पर मैं साफ कैसे करूँ? ये गंदी पुरानी सी टी शर्ट कैसी रहेगी? बहुत अच्छे जहान, पर तुम्हें कपड़ा कहाँ से मिला? हाय हिना, मुझे तुमसे बात करनी है। जरूर करो लूला। लूला, क्या तुमने कैलेंडर देखा? फुटबॉल टीम की पार्टी अगले हफ्ते है। अच्छा है ना? और टी शर्ट पहनने की बारी किसकी है? हाँ, मुझे पता है। है ना, क्या तुम्हें पता है दीवार पे फैला हुआ रंग कैसे साफ करते हैं? रंग? उफ, क्या हुआ? मुझे नहीं आता साफ करना। क्यों? कुछ नहीं है ना, दरअसल एक मसला हो गया है। टी शर्ट को कुछ हुआ है? लूला, पर तुम फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ बेहतरीन कपड़े हैं जो तुम ले सकती हो। जरूरत हो तो बताना, अपना ख्याल रखना जाने में। हाँ? लूला, जो कुछ हुआ उसके बावजूद तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वो टी शर्ट दुनिया की आखिरी टी शर्ट नहीं थी। मैंने हम दोनों के लिए 2 टी शर्ट और खरीद लिए हैं। तुम पार्टी में वो पहन लेना, और मैं भी ढेर सारा प्यार।
तुम ये देखो, मैं फोन देखती हूँ। आओ, ये रॉन्ग नंबर्स भी ना। आओ मेरी जान, ये तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। ये टी-शर्ट? मुझे यकीन नहीं हो रहा, लोला ने टी-शर्ट खराब होने का किस्सा गढ़ लिया ताकि वो पार्टी में खुद पहन सके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसी हरकत करोगी। तुम क्या कह रही हो? उस ड्रेस का क्या हुआ? ये तो तय नहीं हुआ था। क्या? और वैसे भी अपनी बात पर तुम कब कायम रही हो? छोड़ो दोस्त, वो इस काबिल भी नहीं है। दोस्त, ये सब क्या हो रहा है? ओ, अब मैं समझी तुमने ये अजीब सी फ्रॉक क्यों पहन रखी है। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती डार्लिंग? तुम जाओ यहाँ से, शातिर। अरे दोस्तों, तुम दोनों को नाराज हुए 3 दिन हो गए, अब बैठ भी जाओ। मैं खुद गर्जों के साथ नहीं बैठती। और मैं धोखेबाजों के साथ खाना नहीं खाती। शर्ट, इसे किस टेम्परेचर पर आयरन करूं? एम एम, इसका मतलब ये टी शर्ट हाइपरमार्केट से नहीं लिया गया? हाँ, ये एक खास टी शर्ट है, हमारी एक स्पेशल खरीदार के ऑर्डर पर बनाई गई है, वो भी एक खुशकिस्मत इंसान के लिए। ठीक है, पर क्या मैं उस खरीदार का नाम जान सकती हूँ? ठीक है, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं और मेरे दोस्त कभी कभी एक दूसरे को कीमती तोहफे देते रहते हैं, इससे दोस्ती और भी पक्की होती है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो शानदार ड्रेस मैं अपनी दोस्त को तोहफे में दे दूँ। ये तो हमारे यहाँ का सबसे महंगा ड्रेस है। ये तो कोई मसला नहीं है, मेरे वालिद बहुत अमीर हैं। पर मैं ये ड्रेस अपनी उसी प्यारी दोस्त को तोहफे में देना चाहती हूँ जिसने मुझे ये टी शर्ट तोहफे में भेजी है। आप समझ रहे हैं, है ना? वर्जीनिया टॉफेन। मुझे पता था। है ना, आखिरकार सुनो, मैंने पता लगा ही लिया है। नहीं, पहले तुम मेरी बात सुनो। है ना, सुनो, जिद मत करो। ये सब जिद्दी मैं? शहर में आज खौफ की फजा छाई हुई है। किसी ने इंसाफ के मुजस्समे का सर तोड़ दिया है और लोगों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए दीवार पर अजीब और गरीब सा झंडा बना दिया है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस किस नतीजे पे पहुंचती है जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ। ये परचम, मुझे लगता है इसे मैंने कहीं देखा है। आपको क्या लगता है, क्या ये किसी गैर मुल्क की साजिश है? अटॉर्नी जनरल ने सख्त सजा का मुतालबा किया है।
इस इन्फिनिटी के निशान के बाद कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि ये किसी दूसरे प्लैनेट की लाइंस हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये हमसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोला, तुम पागल हो। हो सकता है, पर कितना अच्छा हुआ ना, तुम पहले की तरह ही मेरा हाल जानने आई हो। ओ, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया है? मेरी बात का यकीन करो, उस मुजस्समे का सर टूट जाना महज एक इत्तेफाक था। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ और उन्हें सब बता दूंगी। लोला, तुम लाजवाब हो। सुनो, वर्जीनिया ने हमारी दोस्ती खत्म करने के लिए ये सब किया था। ये देखो। अरे नहीं लोला, अभी नहीं, तुम यहाँ से जाओ, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। पर हम तो सिर्फ वर्जीनिया से बात करने आए हैं। ये मुमकिन नहीं है, उसे किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। ये वही है, इन्हें गिरफ्तार करो। ये सब क्या हो रहा है, उसने क्या किया? हमें सुराग मिले हैं, वो झंडा, वो टी शर्ट, अब सारी गुत्थियाँ सुलझ चुकी है। वर्जीनिया ही मुजरिम है, हमने केस के साथ इंसाफ करके मामला सुलझा लिया। नहीं नहीं, आप गलत हैं, मैं मुजरिम हूँ, मुझे गिरफ्तार करें। लोला, अब और नहीं, यहाँ से फौरन चली जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे माफ कर दो है ना, मैं काफी जिद्दी हो जाती हूँ। नहीं, माफी तुम मुझे मांगनी चाहिए, मैं कितनी पागल थी तुम्हें समझ नहीं पाई। मेरी नहीं, मैंने पहले देखा था,